सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो है बम्पर भर्ती निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है कंपनी से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप एक सीओ कंपनी में जो जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख भी सकते हैं, तो सीओ कंपनी यहाँ पे जो है बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। तो सिर्फ भारी मात्रा में सिर्फ लड़के लड़कियाँ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 18 ईयर है, यानी कि अगर 18 साल के हो गए तो ये जॉब के लिए आप अवेलेबल रहेंगे, यानी कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक जॉब करने के इच्छुक हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जान लीजिए पूरी डिटेल आपको कैसे जॉब मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 8वीं पास 10वीं पास के लिए यहाँ पर जो है बम्पर जो है भर्ती निकल के आ चुकी है। बहुत ही सुनहरा मौका है, आप यहाँ पर जो है जॉब कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है बहुत ही कम यहाँ पर जो है ले रहे हैं। तो इंटरव्यू में पूछा जाने वाले सवालों और जवाब दिए गए, तो कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद ही चार इंटरव्यू के लिए कॉल करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो खाने की सुविधा फ्री, बस की सुविधा पूरे नोएडा में। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि खाने की सुविधा और रहने की सुविधा आपको फ्री में मिलेगी, कोई भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हैं, कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब है। तो यहाँ पे कंपनी की दो डिपार्टमेंट में आवश्यकता है, हेल्पर और सुपरवाइजर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 8वीं पास कर लिए तो यहाँ पे जो है हेल्पर की जॉब कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 40 ईयर तक है। दोस्तों अगर आप 18 से 40 के बीच है तभी आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही, तो 26,500 लेकर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी आपकी है 26,000 प्रति महीना आपको यहाँ पे जो दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो ड्यूटी वो 8 घंटे की है, अगर आप ओवर टाइम लगाना चाहते हैं तो ओवर टाइम भी लगा सकते हैं। अटेंडेंस अवार्ड के बारे में बात करें तो कंपनी में लगातार 26 ड्यूटी करने पर आपको 2,000 रुपये का अवार्ड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार ड्यूटी करते हैं 26 तो आपको 2,000 रुपये का अवार्ड मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर रविवार को अवकाश रहेगा, काम करने पर 1,500 रुपये आपको महीने में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप संडे की छुट्टी नहीं लेते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो आपको 1,500 रुपये अलग से दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप रविवार को छुट्टी मत लीजिएगा। तो कंपनी के अंदर सैलरी हमेशा 5 से 10 तारीख को आपके खाते यानी कि अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको कैश में नहीं मिलेगी, आपके जो है अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है रिज्यूम बायोडाटा, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट जॉब में आपका रिज्यूम बहुत ही जरूरी होता है। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे जो है पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। मार्कशीट की फोटोकॉपी जो भी आपने किया है 8वीं 10वीं पास, उसकी मार्कशीट यहाँ पे आप जो है लगाएंगे। और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोविड-19 के सभी नियमों का पालन कर मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। तो दोस्तों जो भी बंदे इच्छुक हैं जॉब करना चाहते हैं इस कंपनी में शिवम कंपनी में, तो यहाँ पे कुछ इंटरव्यू की डेट दी गई है। तो 29 मार्च से यहाँ पे जो है इंटरव्यू डेट यानी कि इंटरव्यू स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे 9:30 बजे आप जा सकते हैं, एचआर ही इंटरव्यू लेगा। जिसका भी इंटरव्यू पास हो जाता है वो कंपनी में आप उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसको भी इंटरव्यू के लिए आना है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि बिना कमेंट किए आप जॉब के लिए जॉब नहीं पा सकते। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आपको आती तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।